फ्रेंड, आपका माय यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो है एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी पेट में होने वाली समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक करता है। पेट में कब्ज हो और या गैस हो, कुछ भी हो तो बहुत जल्दी ठीक करने वाला है, जिसका नाम है झंडू नित्यम। झंडू नित्यम जो है पेट की समस्या को बहुत जल्द दूर करता है, इसी के बारे में आज आपको पूरा डिटेल देने वाले, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जैसे तो चलिए बात करते हैं आपको झंडू नित्यम के बारे में। जैसे आपको पेट में कब्ज हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा भरा लगता है, गैस से परेशान है, आपको एसिडिटी का आपको प्रॉब्लम हो गई है, बार बार जो है कच्ची ढिकारी आती है, जिससे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उल्टी दस्त होने का दिक्कत रहता है, बदहजमी है, कोई चीज़ खाते हो तो पच नहीं रहा, उलझन है और पुरानी से पुरानी कब्ज है, तो उसको दूर करने में जो है झंडू नित्यम जो है बहुत बढ़िया काम करता है, जो कि टैबलेट फॉर्म में आता है। और जो है इसका उपयोग आप करके बड़ी आसानी से जो है आप इसका उपयोग करके अपने पेट को सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। और ये टैबलेट और चूर्ण दोनों में आता है, तो आप किसी भी जो है चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको टैबलेट खाना पसंद है तो टैबलेट या चूर्ण खाना, चूर्ण दोनों भी ले सकते हैं, और आपको कब्ज से जो है तुरंत राहत मिल जाएगा। क्योंकि इस जैसे कि अगर इसका उपयोग लगातार कर रहे हो तो आपको जो है खुद फ़ायदा दिख जाएगा, पेट में मरोड़ है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसे में जो है ये बहुत ही रिलीफ देता है। और आपको जो है इसे खाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको डाइजेशन का सिस्टम आपका सही नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो, बार बार बाथरूम जा रहे हो, तो ऐसे में जो है आप इसका उपयोग करके आप अपने जो है सिस्टम को ठीक कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोगों को ऐसी दिक्कतें हो गई होंगी जिनका कोई चीज़ खाते हैं पचता नहीं है, और या पच रहा है तो गैस की वजह से नहीं खा पा रहे हैं, जो है बहुत कच्ची ढिकारी आती है, बार बार किसी के सामने बैठे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनकी कच्ची ढिकारी, मतलब कि मुंह से जब निकलने लगती है गैस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत किसी सामने निकाल रहे हो तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, अपने को भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में जो है आप बहुत जो है निराश होते हो, बहुत ज़्यादा आपको उलझन होती है कि यार ये सब कैसा क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो है अगर आप झंडू नित्यम का उपयोग कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पेट के लिए काम करती है। आप इसका उपयोग जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर चले जाइए, वहाँ पर बड़ी आसानी से आपको झंडू की दवाइयाँ लगभग सारी दवाइयाँ मिल जाती है, आपको झंडू नित्यम भी मिल जाएगा। इसका उपयोग कीजिए आप जो है, अगर उपयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूर उपयोग कीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा आपको उपयोग नहीं करना है। और रेगुलर बेस पे इसको उपयोग जो है आप जैसे कर रहे हैं तो रेगुलर बेस पे ना कीजिए। अगर आपको जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, तो आप रेगुलर खाते रहिए जब तक आपको आराम ना हो जाए, फिर आप उसको धीरे धीरे एकाएक आप कभी कोई दवा बंद मत कीजिए। जैसे आपको लग रहा कि आप बहुत आराम हो गया है तो आप उसे एक टाइम कर दीजिए, फिर धीरे 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 कुछ दिन एक टाइम खाइए, फिर धीरे धीरे करके उसको जो है बंद कीजिएगा। लगातार कभी कोई दवा बंद नहीं करनी चाहिए, अगर लगातार बंद करो तो आपको दिक्कत फिर से होनी चालू हो जाएगी। और कम से कम आप इसे एक महीने दो महीने तो लगातार उपयोग कीजिए, जिससे कि आपको जो है आपको उसका असर दिखे, उसकी बेनिफिट दिखे। और आपको तेल वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, तेल वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर तेल वाली चीज़ें आप अवॉइड नहीं करोगे तो आपको दिक्कत फिर से होने वाली है, क्योंकि आज ये डेट में हमें शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है, तो तेल से हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम पेट की हमें तेल से ही होती है। डॉक्टर के पास जाओगे तुरंत बताएंगे कि तली भुनी चीज़ें मत खाइए, तेल मत खाइए, तुरंत बताते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आज के डेट में हमें कोई चीज़ हमें शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है। अगर आप गांव देहात से हो, आपको सरसों का तेल मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है, तो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन उसमें भी आज के डेट में केमिकल से पैदा होता है तो उतना, लेकिन तब भी कुछ तो परसेंट शुद्ध मिलता है, लेकिन जो हम बाहर खरीद के खा उसमें तो शुद्धता बहुत कम गारंटी दी जा सकती है। तो इसलिए तेल जितना हो अवॉइड कीजिए, ज़्यादा तेल ना खाइए,
और जो है बाहर की चीज़ें बहुत कम खाइए, तो आपको देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है आपकी ठीक हो जाएगी और आपके पेट में जो भी दिक्कत है, पेट में छाले हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप इसे बहुत ही आराम मिलेगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें राहत होनी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।